हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमीवे से। तो एमीवे का कंपनी ट्रैक अभी 200 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो एमीवे इस पर रिएक्ट करते हैं, 200 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक व्यूज, शुक्रिया सबको पब्लिक। बीकेपी का सैलाब आना बाकी है, मेरा भाई 2024, और भी कंपनी वाइब्स दू क्या। तो एमीवे की बात हो ही रही है, तो थोराइट का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है सांप सीडी, और मोस्ट प्रोबेबली थोराइट इसमें एमीवे को डिस करने वाला है। तो पोस्टर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इट्स नॉट फॉर किड्स। तो अब बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो एक भाई जो है वो थिएटर से एक वीडियो डालता है, सिर्फ रफ्तार भाई को सुनने के लिए गया था। तो रफ्तार लिखता है, धन्यवाद भाई, मूवी वालों से इक्विटी मांग लेता हूँ। इसके अलावा बादशाह की जो एल्बम है एक था राजा, उसकी भी डेट्स पता चल चुकी है, तो 18 मार्च को ये एल्बम आने वाली है। इसके अलावा मुनव्वर जो है वो एमसी स्टैन का नम ट्रैक अपनी स्टोरी में लगाता है। इसके अलावा सुल्तान नेशन भाई ने एक स्टोरी डाली थी, हरियाणवी हिप हॉप विल नॉट बी सेम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बिग सरप्राइज कमिंग टुमारो। साथ ही रश्मीत कौर का भोले ट्रैक जो है वो अभी अमेजोन प्लेलिस्ट रैप फ्लो में ऐड हो चुका है फर्स्ट नंबर पे। साथ ही रश्मीत रैप फ्लो के कवर पे भी फीचर है। तो बात कर लेते कान्ये वेस्ट के बारे में। तो जैसे कि वल्चर्स एल्बम अभी आउट हुई थी कान्ये वेस्ट की, और अभी अपडेट्स ये निकल के आ रही है कि वल्चर्स 2 कोई से भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, बल्कि ये कान्ये के ऑफिशियल वेबसाइट से आएगी, yeezy.com। और उन्होंने मैथ्स लगाया है कि लास्ट ईयर की जो बिगेस्ट एल्बम थी उससे ज्यादा वो सेल्स करेंगे वहां से। तो क्या लगता है आप लोगों को, अगर ये चीज सही में चल गई तो म्यूजिक सीन में फिर से रिवॉल्यूशन आ सकता है। खैर, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।